जाता है। तो दोस्तों ये बीपीए पावर इस तरह से बनता है। तो दोस्तों ये शॉर्ट आपको कभी भी शॉर्ट नहीं करना है, आपको स्कीमेटिक डायग्राम में देखना है। यहाँ करके समझ रहा है कि यहाँ पर बैटरी लगाया गया है, आप सेट को ऑन किया जा सकता है। क्या होता है कि ये वोल्टेज डिवाइडर होता है, देखिए ये वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हम बीबेट सीपीयू बैटरी का पूरा स्टेटस पता रखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हो आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों इन सारे वर्डों की फुल फॉर्म और इनका क्या काम होता है मोबाइल मदरबोर्ड में और इन पर कितनी वोल्टेज आती है सब आपको बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और मैं इन सारे वर्डों को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ओप्पो A3s का मदरबोर्ड के स्कीमेटिक डायग्राम की फोटो को एक साथ जोड़कर मैं एक फोटो बनाया हुआ है, जिससे आपको अच्छे से समझा सको और आप अच्छे से समझ सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर बैटरी कनेक्टर है और यहाँ पर बैटरी कनेक्ट होती है। बीबेट का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज बैटरी, और बैटरी वोल्टेज भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ से आते हुए इस साइड पर भी एक दूसरा टेस्ट पॉइंट है, जहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं कि बैटरी लाइन पे बैटरी वोल्टेज कितनी आ रही है या ये बैटरी कनेक्टर लाइन की सही है। दोस्तों ये पॉइंट की लाइन यहाँ से होते हुए यहाँ पर देखिए आ रहा है और इस यहाँ पर भी बीवेट लिखा हुआ है, और यहाँ से होते हुए ये लाइन सीधा यहाँ पर देखिए एक काला कलर की एक डायोड लगा हुआ है, तो ये वोल्टेज रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड है। तो दोस्तों ये वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है। ये डायोड कैसे काम करता है आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कि यहाँ पर जो डायोड के ऊपर दो लाइन बना हुआ है, ये साइड पॉजिटिव लाइन पर लगता है यानी कि बीबेट पर लगता है, और जो लाइन बना हुआ नहीं है जिस साइड पर ग्राउंड पर लगता है, तो ये रिवर्स बेस डायोड कहलाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डायोड क्या होता है कि ये रिवर्स वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हम बीबेट की जगह पर अगर ग्राउंड डाल दें और ग्राउंड की जगह पर पॉजिटिव डाल दें तो क्या होगा कि ये डायोड पहले शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि ये डायोड शॉर्ट होगा, ये वोल्टेज को ग्राउंड पर दे देगा ताकि आगे की सर्किट हमारी बचा सके। तो इसका काम यही होता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम जब सेट को ऑन करते हैं बिन बैटरी की बूट केबल से, तो अक्सर देखा जाता है कि बूट केबल को उल्टा लगाने से हमारी जो डीसी सप्लाई है उसमें 3 एम्पियर यानी कि हाई एम्पियर कंज्यूम कर लेता है। तो इसका कारण ये डायोड ही है, ये डायोड प्रोटेक्शन देता है, इसीलिए ये डायोड ग्राउंड से शॉर्ट हो जाता है। तो क्या करता है कि ये डीसी में जितनी एम्पियर सेट किया हुआ है उस एम्पियर इतना कंज्यूम कर लेता है। तो आइए हम स्कीमेटिक में देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से एक कैपेसिटर होते हुए, छोटी सी कैपेसिटर से होते हुए ये लाइन यहाँ से होते हुए यहाँ पर जो BMI-632 IC लगा हुआ है यहाँ पर जाता है। देखिए यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा हुआ है और डायोड भी लगा हुआ है, तो BMI-IC पर जाता है। दोस्तों ओप्पो A3s में BMI-632 IC लगा हुआ होता है। तो आइए दोस्तों आप बात करते हैं बैट आईडी की। तो किसी किसी फोनों में बैट आईडी लिखा हुआ होता है, किसी में बैट कौन आईडी, और पहले जो फ़ोन आता था उसमें BSI लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों देखिए इसमें अलग अलग नाम के मतलब नहीं है, इनका काम एक ही है लेकिन इसको अलग अलग नाम पर लिखा हुआ है। तो इसका बैट आईडी का फुल फॉर्म है बैटरी आइडेंटिफिकेशन। इस बैट आईडी के थ्रू मोबाइल के CPU बैटरी का पूरा स्टेटस पता रखता है कि बैटरी का हेल्थ क्या है, बैटरी का कैपेसिटी कितनी है, बैटरी का MAH कितना है, और बैटरी कितना देर चल सकता है, और बैटरी कितना देर में चार्ज होगा, ये सब कुछ CPU प्रोसेस करके स्क्रीन पे शो करता है और जिसे हमें पता लगता है। और दोस्तों ये लाइन ब्रेक हो जाने से अनेबल टू चार्ज प्रॉब्लम शो होता है जब चार्जर लगाओगे, और वीवो का सेट में, सैमसंग का सेट में होता है चार्जिंग एरर, और किसी में शो होता है अनेबल टू चार्ज। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ये बैट आईडी के लाइन के जो रजिस्टर है ये खराब हो जाने से या ये उखड़ जाने से प्रॉब्लम आता है, और कभी कभार सीपीयू ड्राई शोल्ड हो जाए या खराब हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बैट कौन आईडी, इसका फुल फॉर्म है बैटरी कनेक्ट आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों देखिए बैट कौन आईडी ये वीवो का Y12s में है और इसमें 3 लाइन ही होता है कनेक्टर पे। तो आप जानते हैं BSI का फुल फॉर्म, BSI का फुल फॉर्म है बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। तो दोस्तों ये BSI का लाइन पहले की नोकिया फ़ोन में और जो सैमसंग फ़ोन है उसमें भी रहता है, और कुछ चाइनीज़ सेटों में भी आजकल आता है। तो देखिए दोस्तों आजकल का जो चाइनीज़ फ़ोन है इसमें तो BSI का लाइन कहीं पर जुड़ा होता है और किसी पर नहीं जुड़ा हुआ होता है। तो जो पहले का सैमसंग है 1200 वाई का मॉडल, उसमें क्या होता है कि अगर आप डीसी सप्लाई की चिमटी से कनेक्ट करके ऑन करने की कोशिश करोगे तो ये ऑन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका जो ग्राउंड की चिमटी है उसको आप BSI की पिन से
लगाकर ऑन करोगे तो तब ऑन होगा, नहीं तो नहीं ऑन होगा। इससे सीपी को यह सिग्नल मिलता है कि मोबाइल पे बैटरी लगाया गया है, तो यह मोबाइल ऑन हो जाता है। दोस्तों इस बीएसआई के थ्रू बैटरी का स्टेटस जाना जाता है कि बैटरी पे कितनी वोल्टेज है और कितनी चार्ज है। नोकिया 105 में इस तरह की प्रॉब्लम आता है चार्जिंग एरर का, और किसी पर बैटरी एम्प्टी का प्रॉब्लम आता है, ये लाइन अगर मिसिंग हो जाए या ये रजिस्टर खराब हो जाए तो। तो दोस्तों चलिए आप देखते हैं वो A3S मदरबोर्ड में कहां पर ये कैसा लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहां से ये बैटरी आईडी का लाइन जा रहा है, और यहां से होते हुए देखिए ये लाइन यहां से होते हुए हम यहां पर दो रजिस्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये रजिस्टर क्या होता है कि ये वोल्टेज डिवाइडर होता है। देखिए ये वोल्टेज डिवाइडर दो तरीके से काम करता है, एक तो दो रजिस्टर सीरीज में लगाकर एक साइड को ग्राउंड कर दिया जाता है और दूसरी पर वोल्टेज इन किया जाता है, और बीच में से इसका वोल्टेज आउट लिया जाता है। और दूसरा यह है देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया गया है और इस पर एक थर्मिस्टर लगाया गया है। थर्मिस्टर को एक साइड ग्राउंड किया हुआ है और दूसरी साइड वोल्टेज इन किया जाता है, और बीच में से इसका वोल्टेज लिया जाता है, वोल्टेज आउट होता है। तो दोस्तों इस पर वोल्टेज डिवाइडर मतलब कि ये हीट सेंस वोल्टेज डिवाइडर इसको बोला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों ये तो हमने बताया कि एक सिंपल सर्किट, तो दोस्तों आइए जानते हैं कि यह मोबाइल मदरबोर्ड में कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक PMI IC है, और यहाँ पर देखिए CPU है, और एक दो रजिस्टर है 100 किलो ओम्स का, और एक बैटरी कनेक्टर है। देखिए दोस्तों PMI IC से 1 वोल्ट निकल कर रजिस्टर की थ्रू बैटरी कनेक्टर की ID पर जाता है, और उसी लाइन सीधा एक 100 किलो का रजिस्टर होते हुए CPU पर भी जाता है, CPU की वोल्टेज सेंस पर जाता है। तो क्या होता है कि ये CPU पता लगाता है मोबाइल फोन में बैटरी लगाया गया है या नहीं। दोस्तों देखिए रजिस्टर जो होता है ये तब तक अपने वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करता है जब तक इस पर कोई लोड नहीं लगा हुआ होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर CPU पर भी 1 वोल्ट जा रहा है। तो दोस्तों इसे चेक करने के लिए आपको मोबाइल फोन की बैटरी जो कनेक्टर है वहाँ पर ID की कनेक्टर पर अपने मल्टीमीटर को लगाकर और एक साइड एरर को ग्राउंड पर लगाकर फिर चार्जर लगाना होगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर 1 वोल्ट देखने को मिलेगी। दोस्तों चलिए जानते हैं ये कैसे काम करता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस दोनों रजिस्टरों में से अगर एक भी रजिस्टर मिस हो जाए और ये लाइन में ब्रेक हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे PMI IC की लाइन भी उखड़ जाए या मिसिंग हो जाए या CPU की लाइन भी मिसिंग हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कैसे क्या प्रॉब्लम होगा और किस तरह की प्रॉब्लम आएगा और कैसे इसको सॉल्व करना है आपको मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम इस पर एक बैटरी लगाते हैं और फिर देखते हैं कि बैटरी लगाने के बाद ये कितना वोल्ट आउटपुट करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 वोल्ट जो PMI IC से आ रहा है 100 किलो की ओम्स रजिस्टर से होते हुए वहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बन गया है। जब हम बैटरी यहाँ पर लगाया हुआ है तो बैटरी कनेक्टर पे 0.5 वोल्ट आ रहा है, और बैटरी के जो अंदर सर्किट लगा हुआ है उस पर भी एक 100 किलो ओम का रजिस्टर लगाया गया है। रजिस्टर के एक साइड ग्राउंड से लगाया गया है और एक साइड बैटरी आईडी पर लगाया गया है। तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर बन गया है, और इसके बाद 1 वोल्ट जो पहले आ रहा था वहाँ पर उस लाइन पर 0.5 वोल्ट आ रहा है। तो क्या है दोस्तों कि 0.5 वोल्ट CPU सेंस करके समझ रहा है कि यहाँ पर बैटरी लगाया गया है, आप सेट को ऑन किया जा सकता है। तो इसके बाद CPU PMI IC को एनेबल सिग्नल देता है और फिर इससे हमारे सेट ऑन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 100 किलो ओम का 3 रजिस्टर मैंने लगाकर दिखाया है, ये फोन में हो सकता है कि ये 100 किलो ना हो, ये कुछ कम वैल्यू का हो या कुछ ज़्यादा वैल्यू का हो, ये मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर बताया हुआ है आपको कि आपको मैं समझा सकूँ इस तरह की ये सर्किट काम करता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी का जो सर्किट अंदर सर्किट लगा हुआ होता है वहाँ पर रजिस्टर कहाँ होता है। तो देखिए ये हमारी बैटरी सर्किट है, और इस पर देखिए एक 68 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाया गया है, और इसका एक साइड ग्राउंड है और एक साइड से ये बैटरी कनेक्टर की आईडी पर लग रहा है। दोस्तों अगर आपके फ़ोनों में कभी भी ऑन नहीं होता है और ऑन होने पर तुरंत ऑफ हो जा रहा है या कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या होगा कि जो 100 किलो ओम का जो मैंने बताया हुआ है, तो बैटरी के अंदर जो सर्किट लगा हुआ होता है बैटरी की सर्किट, वहाँ से अगर ये रजिस्टर मिसिंग हो जाए या ख़राब हो जाए और शॉर्ट भी हो जाए तो ये प्रॉब्लम आएगा। और फिर अगर CPU की जो जहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है CPU के पास वो भी अगर मिसिंग हो जाता है या ख़राब हो जाता है या यहाँ पर और इसका लाइन भी ब्रेक हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। और इसको आपको कभी भी शॉर्ट नहीं करना है, आपको स्मेटिक डायग्राम में देखना है या तो सेम उसी फ़ोन का एक मदरबोर्ड में देखना है कि ये कितनी ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और फिर उसी को देख के आप एक रजिस्टर को स्क्रैप मदरबोर्ड से निकल कर लगा लेना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये इस रजिस्टर से और इस आईडी से प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है कि कभी कभार ये PMI IC ड्राई शॉल्ट हो जाए या CPU ड्राई शॉल्ट हो जाए या PMI IC ख़राब भी हो जाए तो ये प्रॉब्लम आता है।
बस आपको मैं समझाया कि यह लाइन कैसे कहां से कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं एपो A3S का स्कीमेटिक डायग्राम में कि यह लाइन PMI IC पर जाता है और कैसे जाता है। तो देखिए ये दो रजिस्टर लगा हुआ था ना, वहाँ से एक रजिस्टर से ये आउट हो रहा है और ये आउट होके सीधा यहाँ से ये PMI IC पर जा रहा है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ बेट थम की। तो देखिए दोस्तों बेट थम का फुल फॉर्म है बैटरी थर्मल और किसी सेट में BSI बेटकॉन ID आपको मैं बताया है, तो इनमें मर्ज होता है बैटरी थर्मल यानी कि थर्मिस्टर भी लगा हुआ होता है, NTC का भी लाइन होता है और NTC का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कंट्रोल, ये भी किसी किसी सेटों में लगा हुआ होता है, जियोफोन में भी इसको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इनका काम क्या होता है कि ये बैटरी जो ID है उसका भी काम करता है और बैटरी के थर्मिस्टर के भी काम करता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं मदरबोर्ड में कहां से कहां तक ये लाइन जा रहा है। दोस्तों देखिए ये लाइन यहां पर जो आ रहा है यहां से ये कनेक्टर पर आ रहा है और यहां से होते हुए यहां पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है और इस रजिस्टर के थ्रू ये लाइन MI632IC पर जा रहा है। दोस्तों ये रजिस्टर लगाने के कारण मैं आपको बताऊंगा आगे। तो दोस्तों जानते हैं कि ये रजिस्टर क्यों लगा हुआ है। बैटरी के अंदर एक सर्किट होता है, उस सर्किट में एक थर्मिस्टर लगा हुआ होता है जो टेम्परेचर को सेंस करके अपनी बिल को घटाता है। तो इससे क्या होता है, ये थर्मिस्टर एक रजिस्टर के जैसा है लेकिन ये बिहेवियर रजिस्टर के जैसा है, अगर इस पर अगर हीट करोगे तो ये अपनी वैल्यू कम करेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि ये थर्मिस्टर और ये रजिस्टर मिलकर एक वोल्टेज डिवाइडर बनता है। आपको मैं बताया है कि टेम्परेचर हीट सेंस वोल्टेज डिवाइडर होता है। तो देखिए दोस्तों मैं फिक्स्ड वैल्यू का रजिस्टर जो बताया है, देखिए मेरे लेफ्ट साइड पर जो फिक्स्ड वैल्यू का रजिस्टर है ये इसका सिंबल ऐसे बना हुआ है और जो थर्मिस्टर है तो दोस्तों देखिए थर्मिस्टर इस तरीके का दिखता है और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। तो दोस्तों चलिए आप जानते हैं कि मोबाइल मदरबोर्ड में ये कैसे काम करता है। दोस्तों PMI IC से एक 1.8 वोल्ट निकल रहा है और ये वोल्टेज आगे जाकर जो रजिस्टर है 100 किलो ओम का उच्च रजिस्टर से होते हुए आगे ये आउट हो रहा है बैटरी कनेक्टर की थर्मल लाइन पर और उस बैटरी कनेक्टर के पास से एक लाइन CPU पर भी जा रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1.8 वोल्ट तो आ रहा है लेकिन जब इसका 100 किलो ओम लगाकर जो आगे जा रहा है लाइन वहाँ पर 0.9 वोल्ट क्यों आ रहा है तो आपको मैं बताता हूँ। देखिए बैटरी कनेक्टर पर जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के सर्किट में एक थर्मिस्टर लगा हुआ होता है, तो वो थर्मिस्टर 100 किलो ओम का भी हो सकता है और 10 किलो ओम का भी हो सकता है। तो दोस्तों क्या है कि ये थर्मिस्टर जब लगता है तो ये वोल्टेज डिवाइडर बन जाता है, तो जिससे ये वोल्टेज को डिवाइड कर देता है तो हाफ होता है 0.9। तो जरूरी नहीं कि ये मैंने जो सर्किट बताया है यहाँ पर वो सर्किट मोबाइल के सर्किट में भी हो, अलग अलग कंपनी अलग अलग डिज़ाइन करती है और जो बैटरी सर्किट है वहाँ पर भी एक थर्मिस्टर लगा हुआ है और इस थर्मिस्टर की ज़रूरत आपका अगर कभी भी पड़ जाए तो इसको मदरबोर्ड में पहचानने की एक मैं इजी ट्रिक बताता हूँ कि आपको देखना है कि रजिस्टर जो मैं बताया कि इस तरह से दिखता है, तो अगर आपको लगता है कि ये रजिस्टर थर्मिस्टर है ब्लैक कलर का तो आपको मल्टीमीटर से पहले उसको चेक कर लेना है जो बर्ड कूल रहे, आपको हीट नहीं लगाना है, पहले उसको कूल रखकर चेक कर लेना है कि इसका वैल्यू कितनी है और फिर आपको हीट गन से उसको हीट लगाकर फिर मल्टीमीटर से देखना है कि इसका वैल्यू घट रहा है कि नहीं। घट रहा है तो समझ लेना है कि ये थर्मिस्टर ही है और आपको फिर भी नहीं इसको पता नहीं कर पा रहे हो तो इसको यहाँ से निकाल कर एक साइड इसका किसी भी एक पॉइंट पर सोल्ड करके और फिर आपको इसको चेक करना है, तो इसका होगा कि इससे आपको 100% पता चल जाएगा कि ये थर्मिस्टर है और फिर इसको आपको किसी भी सर्किट में लगा सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो लाइन मैंने बताया है यहाँ पर अगर बैटरी की सर्किट में वहाँ पर भी ये थर्मिस्टर मिसिंग हो जाए या ख़राब हो जाए, यहाँ पर मदरबोर्ड में भी ये लाइन मिसिंग हो जाए या 100 किलो ओम का रजिस्टर भी ख़राब हो जाए, तो हमारे फ़ोनों में जब हम चार्ज पर लगाते हैं तो फ़ोन टेम्परेचर टू लो चार्जिंग स्टॉपेज ये प्रॉब्लम आती है। तो ये आजकल वीवो MI और ओप्पो के सेट में काफ़ी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम इसलिए आता है और दोस्तों देखिए ये कीपैड फ़ोनों में भी आता है, बैटरी लो टेम्परेचर डोंट चार्ज। दोस्तों ये लाइन मिसिंग हो जाने की वजह से ये आता है और कीपैड फ़ोनों में ये BSI की लाइन होता है जिससे ये रजिस्टर मिसिंग हो जाता है। दोस्तों अब जब उसको चेक करोगे तो आप चार्जर लगा के उसका बैटरी निकाल दोगे और निकालने के बाद आप बैटरी कनेक्टर पर देखोगे तो 1.8 वोल्ट मिलेगा। अगर 1.8 वोल्ट नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, किसी किसी फ़ोनों में नहीं मिलता है और किसी किसी फ़ोन में मिलता है, क्योंकि जब तक इसका बैटरी इसका सेट पर मदरबोर्ड पर नहीं लगता है तब तक किसी फ़ोनों में ये 1.8 वोल्ट नहीं आउट करता है PMI IC। देखिए दोस्तों ये अलग अलग फ़ोनों में अलग अलग जगह पर लगा हुआ होता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे सैमसंग के फ़ोन में है और यहाँ पर देखिए CPU के पास भी है और यहाँ पर देखिए जो नेटवर्क के सेक्शन है नेटवर्क सेक्शन पे भी लगा हुआ है और चार्जिंग सेक्शन की चार्जिंग पोर्ट जहाँ पर है चार्जिंग पोर्ट पर भी लगा हुआ है
और देखिए ये वीवो का Y12S का सीसी बोर्ड है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक छोटी सी थर्मिस्टर लगाया गया है। तो दोस्तों ये थर्मिस्टर मिसिंग हो जाए तो हमारे सेट पर यह टेम्परेचर टू लो का प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों टेम्परेचर टू लो का प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फोन टेम्परेचर टू हाई चार्जिंग स्टॉपेज। दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको कई बार देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम किस लिए आता है, तो देखिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ ये प्रॉब्लम किस लिए आता है। पहले हमारे PMI IC से 1.8 तो आ रहा है, 1.8 वोल्ट तो आ रहा है और 100 किलो ओम से ये 1.8 वोल्ट जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये 0.9 वोल्ट हो जा रहा है, तो ये नॉर्मल वोल्ट है। और देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमारे थर्मिस्टर जिस जिस जगह पर लगा हुआ होता है उस जगह के पास अगर कोई शॉर्ट हो जाए, ये थर्मिस्टर भी शॉर्ट हो जाए, तो क्या होता है कि ये थर्मिस्टर हीट होने की वजह से क्या होता है, यह अपना वैल्यू को घटा देता है। दोस्तों ये घटाने की वजह से यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टर पे 0.6 वोल्ट आता है। देखिए 0.6 वोल्ट जब आएगा और इसका डाउन जितना होगा तो ये एरर आएगा, बैटरी टेम्परेचर टू हाई। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ लेना है कि ये किस तरह से प्रॉब्लम आता है, आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। और दोस्तों हमेशा जो R1 और R2 का वोल्टेज डिवाइडर में रजिस्टर लगा होता है और R2 का जो रजिस्टर है उससे कम या ज़्यादा करके हमारे वोल्टेज डिवाइडर की आउटपुट मेंटेन किया जाता है कि हमारे वोल्टेज डिवाइडर आउटपुट में कितनी वोल्ट हमें ज़रूरत है और मदरबोर्ड में कितना चाहिए। ये कंपनी क्या करता है, R2 का रजिस्टर को ये कम ज़्यादा करके ये आउटपुट को निकलता है। तो हमेशा ये R2 का वैल्यू ही चेंज होगा और R1 का वैल्यू स्थाई रहेगा, 1 किलो ओम रहेगा या तो 10 किलो ओम रहेगा। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं बीवास BPH DMDP और OBB की फुल फॉर्म और इनका काम क्या होता है और इन पे कितनी वोल्टेज आती है। तो दोस्तों इनका फुल फॉर्म जानते हैं। देखिए दोस्तों बीवास का फुल फॉर्म वोल्टेज बस। तो ये वोल्टेज बस क्यों कहा जाता है, बस का मतलब है कि देखिए मान लो कि हम जो रोड पर बस चलती है, हमारे रोड पर जो बस चलती है उसे हम एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते हैं, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है हमारे 5.0 वोल्ट है बीवास का वोल्ट, ये वोल्ट ये बस के थ्रू हमारी बैटरी के जो IC है चार्जिंग IC उस पर जाता है, तो इसीलिए इसको वोल्टेज बस कहा जाता है यानी कि बीवास कहा जाता है। और दोस्तों आप जानते हैं BPH, तो देखिए दोस्तों BPH का फुल फॉर्म है वोल्टेज फोन और इसका एक दूसरा नाम भी है BSYS, तो इसका फुल फॉर्म है वोल्टेज सिस्टम। तो दोस्तों ये BPH का वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट का होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं DP। तो देखिए DP का फुल फॉर्म है डाटा प्लस, यानी कि इसको किसी किसी फोन में D प्लस से डिनोट किया जाता है और D माइनस यानी कि डाटा माइनस, और इसको किसी किसी फोन में D माइनस से भी डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों बढ़िए OBP का फुल फॉर्म है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर, तो इस पर 5.0 वोल्ट आता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये बीवास कहाँ से कहाँ तक जाता है। देखिए ये बीवास हम कनेक्टर पर आता है CC बोर्ड से, तो दोस्तों यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट होता है और इस कनेक्टर के थ्रू यहाँ पर आगे जा रहा होता है और जाने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ कैपेसिटर है और कैपेसिटर होते हुए यहाँ पर एक कैपेसिटर है और ये एक MOSFET है, ये MOSFET से आगे जाकर ये OBP IC पर जाता है। दोस्तों OBP का काम ये होता है कि ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि एक ऐसा एक फ़ोन आता है जिसमें कस्टमर बोलता है कि हमने चार्जर को डायरेक्ट काटकर इलेक्ट्रिक बोर्ड पे लगा दिया है और इसके बाद ये सेट डेड हो गया है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो OBP IC है ये इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट या 240 वोल्ट उस वोल्टेज को अपने अंदर ले लेता है और ये ख़राब हो जाता है और बाकी आगे के सर्किट को सुरक्षा पहुँचाता है। और कई लोग क्या करता है कि सोलर की जो लाइन होता है उस सोलर की लाइन को जो डाटा केबल होता है उसको जोड़ के डायरेक्ट बड़ा वोल्ट या 20 वोल्ट या उससे भी ज़्यादा वोल्ट मोबाइल फोन में डाल देता है, कनेक्ट कर देता है, तो जिससे जो OBP IC लगा हुआ है ये OBP IC शॉर्ट हो जाता है और आगे की लाइन को रोक लेता है ख़राब होने से। और दोस्तों अगर किसी फोन में ये OBP IC नहीं लगा हुआ होता है तो ये लाइन सीधा आगे हम चार्जिंग IC पर चली जाती है। दोस्तों ये अलग अलग फ़ोन में अलग अलग तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए दोस्तों ये OBP IC से कैपेसिटर पर जाता है और कैपेसिटर से PMI 632 पे आता है। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं DP की। तो देखिए DP की लाइन OPPO A3S में यहाँ पर आता है और यहाँ से होते हुए यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट है और फिर इस टेस्ट पॉइंट से होते हुए यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। ये डायोड प्रोटेक्शन डायोड है, आपको मैं पहले बताया हुआ है, ये रिवर्स वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों देखिए ये रजिस्टर कपलर आता है, यहाँ से होते हुए IC पर जाता है और यहाँ से फिर IC से आउटपुट होकर एक रजिस्टर से होते हुए यहाँ पर PMI IC पर जाता है और दूसरा हमारे CPU पर जाता है क्योंकि इससे हम डाटा कम्युनिकेट करते हैं। तो दोस्तों सेम उसी तरह DMB लगा हुआ है और सेम उसी तरह DM काम करता है जैसे मैंने DP का ही बताया है। तो दोस्तों देखिए किसी किसी फ़ोनों में
इसको RX TX के नाम पर जाना जाता है। देखिए इनका RX का मतलब है रिसीव करना और TX का मतलब है ट्रांसफर करना। तो ये कीपैड फोनों में पहले के जो चाइनीज कीपैड फोन है और अभी भी आ रहा है कीपैड फोन, उस पर ये देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं BPH की। मोबाइल मदरबोर्ड में BPH को BPH पावर भी कहता है और इस पर देखिए एक कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल से स्विचिंग होकर ये BPH पावर बनती है। BPH पावर जो है क्या होता है कि हमारी पावर IC पर जाता है, ब्लूटूथ IC पर भी जाता है, नेटवर्क सेक्शन पर भी जाता है, CPU MMC पर जाता है, लाइट ग्राफिक IC पर भी जाता है। तो दोस्तों ये BPH पावर इस तरह से बनता है। तो दोस्तों ये शॉर्ट हो जाने से क्या होता है, सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो जाता है और हम प्राइमरी लाइन पे कोई शॉर्टिंग देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस बारे में विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा, एक एक सेक्शन की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहोगे और मेरे को आप कमेंट करके बताओगे कि आपका एक अलग अलग सेक्शन की वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए।